मेरा नाम है देखने को मिली है 2008 का मॉडल है VX के एंड में है, नॉन एसी वाली गाड़ी। और गाड़ी के कुछ पीस टचअप कह सकते हैं, जब आप लोग कॉन्टेक्ट करें तो फिर अपने हिसाब से आप लोग ओनर से पूछ लीजिएगा कौन से पीसेस गाड़ी के टचअप हैं। टायर्स की बात करें तो टायर्स नॉर्मल स्टेपनी टायर लगे हुए हैं, तकरीबन कह सकते हैं आप चारों टायर की हेल्थ जो है 80% के आसपास गुड है। इस गाड़ी की विंडस्क्रीन है, विंडस्क्रीन से बिल्कुल साफ मिल रही है हमें गाड़ी देखने को। फ्रंट साइड से भी गाड़ी साफ है, फ्रंट की लाइट्स भी देख सकते हैं आप लोग, दोनों हेड लाइट्स जो हैं हमें साफ कंडीशन में देखने को मिल रही है इस गाड़ी की। इस गाड़ी की साइड लुक्स हैं, चारों टायर सेम ही कंडीशन में मौजूद हैं। और इतने लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई कुछ चीज़ों की मेरान ऐड कर रहे हैं, और ये जो है ओरिजिनल CNG वाली है, इसका कंपनी फिटेड CNG होता है। टीके वगैरह मेरे ख्याल में बंद है, नहीं तो खोल के मैं चेक कराया था आप लोगों को। बाकी CNG वगैरह जो कंपनी फिटेड लगा हुआ है इस गाड़ी में, 2008 की ये सुजुकी मेरान है। बाकी बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ। ये इस गाड़ी की जो है डोर्स की सील्स हैं, कुछ पीस टचअप में है गाड़ी, बाकी थोड़ा सा इंटीरियर क्लीनिंग होगा, छत वगैरह दोबारा बनेगी तो गाड़ी मशीन से कंडीशन में आ जाएगी। लेदर को वगैरह सीट्स पे लगी हुई हैं, छत से भी देख लें इस गाड़ी को। डोर खुला अंदर से, बंद है मेरे ख्याल में ये, और छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, मैं उस साइड से जाता हूँ। अच्छा जी, तो मैं इंजन रूम भी थोड़ा सा विजिट करा रहता हूँ इस गाड़ी का। ये इस गाड़ी का इंजन रूम है जी, और इंजन रूम की सील भी कर सकते हैं जम साइड की मुखियाँ, और ये ड्राइव बैटरी वगैरह लगी हुई है, पिछली साइड देख सकते हैं CNG लगी हुई कंपनी फिटेड इस गाड़ी में, और AC भी इंस्टॉल इस गाड़ी के अंदर। बाकी वर्किंग है कि नहीं है ये फिर ओनर को नहीं पता, बढ़ते हैं पूछते हैं। AC लगा हुआ है इस गाड़ी में, वायरिंग तो है नहीं, AC 10 के बाद का है। अच्छा, नहीं दोबारा लगा हुआ है इसमें AC, मैंने देखा है AC वगैरह लगा हुआ लेकिन चालू वगैरह नहीं, काम वगैरह होगा मेरे ख्याल में। 8 का मॉडल है सर, 8 का मॉडल, डॉक्यूमेंट्स में क्लियर है, कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में नहीं, हल्के फुल्के टचअप अगर होंगे तो होंगे। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए। 0345-3075-106। क्या नाम है आपका सर? फहीम नाम। फहीम भाई लोकेशन? मलीर की, मलीर अंदर बलोच। फहीम भाई इसकी डिमांड रिपीट कर दीजिए, 6-25 की डिमांड है, अगर उस पर आते हैं रेफरेंस पे तो और कम कर देंगे। ठीक है फहीम भाई, बहुत शुक्रिया, अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से वेट कर लीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, डायट्सू शराड कह सकते हैं भाई, डायट्सू शराड है ये, 88-92 की रिकंडीशन है, पूरी गाड़ी दोबारा तैयार की गई है। बाकी पूरी गाड़ी को हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या है गाड़ी की वो भी आप भाई के साथ शेयर कर देंगे। हलोयर में हमें देखने को मिल रहे हैं, तकरीबन कह सकते हैं टायर्स की कंडीशन जो है 80% के आसपास गुड है। लाइट्स वगैरह देख लें इस गाड़ी की, सेकेंड लाइट भी देख लें वो भी हमें साफ मिल रही है इस गाड़ी की, स्क्रीन वगैरह भी बिल्कुल साफ है इस गाड़ी की। बोनट साइड से देख सकते हैं हल्का फुल्का कलर वगैरह उखड़ा हुआ है, साइडें देख लें इस गाड़ी की, टायर अच्छी कंडीशन में, LRM देखने को मिलेंगे, 88 है, 92 की रिकंडीशन है, डायट्सू शराड, CNG वगैरह लगी हुई है इसमें, लाइट्स देख सकते हैं बैक साइड की, सेकंड लाइट देख लें, टायर्स ये वाला मेरे ख्याल में पंचर है, बाकी जो है तीनों टायर जो है अच्छी कंडीशन में देखने को मिले। ये स्पेयर व्हील जो होता है गाड़ी का वही लगा हुआ है, सीट्स वगैरह भी सही है, नॉर्मल कंडीशन में है, सीट्स देख लें, CNG लगी हुई है, और आ जाते हैं फ्रंट डोर की तरफ। ये डोर सी सील्स हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन में, और लंबी चौड़ी कहानी नहीं है भाई, ये देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी है, ज़्यादा इस गाड़ी की तारीफ वगैरह क्या करें। पानी का बोतल। और जी रूम खोली, रूम खोलिए ज़रा, रूम खोलिए ज़रा। अच्छा, इस गाड़ी का रूम चेक करा देते हैं, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या है गाड़ी की वो भी आप आ सकते हैं। ऊपर कर दिए खुल जाएगा, उठा लो मसला थोड़ी है। अच्छा जी, तो ये इस गाड़ी का इंजन रूम है, और रूम से गाड़ी जेन्युइन में है, CNG वगैरह इंस्टॉल्ड है, और न्यू बैटरी लगी हुई है इस गाड़ी में। इंजन अपना है सर इस गाड़ी का, इंजन वगैरह चेक कर सकते हैं, इंजन अपना है इस गाड़ी का, जम साइड की मुखियाँ देख सकते हैं, बाकी इंटीरियर जो इंजन रूम का होता है वो जेन्युइन है। ठीक है सर, बंद कर दीजिए।
क्या डिमांड रखी है सर इसकी? सवा दो लाख। इसमें कोई कमी पेशी हो जाएगी या फाइनल ही है? जी जी हो जाएगी, कमी पेशी हो जाएगी। पेपर में क्लियर है गाड़ी? हर चीज़ क्लियर। कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में? कुछ काम नहीं। ठीक है, लोकेशन कहाँ की है? लैक्टाबाद सी वन एरिया। नाम क्या सर आपका? निज़ाम। जी, तो 2.25 लाख इस गाड़ी की वैसे डिमांड है, कुछ कमी पेशी हो जाएगी। और गाड़ी दे सकते हैं, 92 की रिकंडीशन है, 88 का ये मॉडल है। एक नज़र देख लें गाड़ी को, बाकी इसके अलावा देखेंगे और गाड़ी, वो भी कवर करेंगे। सुजुकी खैबर और 92 का ये मॉडल है। गाड़ी बाहर से दोबारा जो है पूरी रिपेंट की गई है और इंटीरियर से गाड़ी जेन्युइन है। बाकी पूरी डिटेल जो है गाड़ी की जो है ऑनर के साथ मिलकर आप भाई साथ शेयर करेंगे। तो टायर्स की कंडीशन की बात करें, टायर्स हमें जो तकरीबन के 60% तक गुड मिल रहे हैं। नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। फुट बेरी साइड भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, साफ कंडीशन में मौजूद है। आ जाते हैं जी फ्रंट लाइट्स की तरफ। फ्रंट लाइट्स भी हमें बिल्कुल साफ मिल रही हैं और यहाँ से थोड़ा सा कलर वगैरह फेड हुआ है और सेकंड लाइट भी बिल्कुल साफ देखने को मिल रही है। विंड स्क्रीन की बात करें तो विंड स्क्रीन भी इस गाड़ी की साफ है। और बोनट की तरफ आ जाते हैं जी, बोनट भी हमें साफ मिल रहा है गाड़ी का देखने को। आ जाते हैं गाड़ी की साइड लुक की तरफ। साइड लुक से भी गाड़ी बिल्कुल साफ कंडीशन में मौजूद है। खैबर है जी, 92 का ये मॉडल है और थ्रू आउट गाड़ी ये पेट्रोल पर है, CNG वगैरह इंस्टॉल नहीं है। बैक साइड की लाइट्स वगैरह चेक कर लेते हैं इस गाड़ी की जी, लाइट्स भी हमें बिल्कुल साफ़ मिली देखने को। सेकंड लाइट भी बिल्कुल साफ़ है, बैक साइड की स्क्रीन भी बिल्कुल साफ़ मिली हमें देखने को। और ये आ जाते हैं जी ड्राइवर साइड वाली लुक की तरफ। बुफर लगा हुआ है। अच्छा जी, बुफर वगैरह भी इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर। तो आ जाते हैं थोड़ा इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम भी शेयर कर देते हैं। ये इस गाड़ी का इंजन रूम है और इंजन रूम भी इस गाड़ी का दोबारा कलर मिलेगा। बाकी टिकली वगैरह यहाँ पे लगी भी नहीं है, टिकली शायद फाइल वगैरह में मौजूद हो। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन रूम है, अपने इंजन में गाड़ी है, 92 का ही मॉडल है, खैबर। 2 लाख से भी कम कीमत वाली गाड़ी अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर ये गाड़ी है। थोड़ा सा इंटीरियर भी चेक कर लेते हैं इस गाड़ी का। तो ये इस गाड़ी के डोर्स की और ये इस गाड़ी का जो है डैशबोर्ड है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सीट वगैरह देख लें और फुट बेरी साइड भी देख लें इस गाड़ी की। नॉर्मल कवर वगैरह इंस्टॉल्ड हैं, 92 की सुजुकी खैबर है, 92 की सीट्स वगैरह सही है, इंटीरियर नॉर्मल कंडीशन में है इस गाड़ी का, छत वगैरह भी सही है। बाकी बढ़ते हैं ऑनर की तरफ। सर इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? अच्छा जी, डिमांड क्या है सर इस गाड़ी की? 2 लाख। अच्छा जी, 2 लाख रुपये इस गाड़ी की वैसे डिमांड कर रहे हैं फाइनल, 1 लाख 80 में। पेपर में क्लियर है सर गाड़ी ये? और टैक्स वगैरह क्लियर है सर इस गाड़ी का? कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज? ठीक है सर जी, नंबर अपना दे दीजिए। 321 290 225 43। क्या नाम है सर? अमीन भाई। कहाँ की लोकेशन है? मौसमियात की लोकेशन। इंजन वगैरह सही है गाड़ी का? कोई काम वगैरह तो नहीं? सस्पेंशन ओके है गाड़ी का? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। इंजन सस्पेंशन से गाड़ी ओके है, कोई काम वगैरह नहीं है। मौसमियात की लोकेशन है, 2.80 में फाइनल गाड़ी देनी है। वैसे 2 लाख रुपये इस गाड़ी की जो है डिमांड कर रहे हैं। गाड़ी साफ़ है, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं जब आप लोग गाड़ी परचेस करने आए तो। 1,80,000 रुपये में गाड़ी, और क्या चाहिए। तो बढ़ते थोड़ा आगे की तरफ, देखते हैं आगे में कौन सी गाड़ी देखने को मिलती है। एक ज़बरदस्त मेहरान हमारे सामने है, मॉडल 2017 का है। गाड़ी की कंडीशन की बात करें तो गाड़ी हमें जो है ऊपर से पूरी जेन्युइन मिल रही है, लेकिन साइडें इस गाड़ी की नीचे से फुट बेरी साइड टचअप कह सकते हैं। न्यू चाबी में है गाड़ी, ये 2017 का मॉडल। और AC इस गाड़ी में दोबारा इंस्टॉल करवाया हुआ है, VX है, नॉन AC वाली। वैसे आ जाते हैं टायर्स की तरफ। तकरीबन इस गाड़ी के टायर्स की बात करें तो हमें 80% के आसपास गुड मिल रहे हैं। नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। ये इस गाड़ी की विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन जो है ड्राइवर की बिल्कुल सामने वाली साइड से हल्की ब्रेक नज़र आ रही है हमें। लाइट्स वगैरह कवर कर लेते हैं जी इस गाड़ी की। ये इस गाड़ी की लाइट्स हैं, ग्रिल साइड भी देख लें इस गाड़ी की। और बोनट से गाड़ी कुछ इस तरह से है ये। और ये इस गाड़ी की साइड लुक्स हैं, ड्राइवर साइड वाली। यहाँ से भी गाड़ी हमें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। VX 2017 का ये मॉडल है, सुजुकी मेरान।
आ जाते हैं गाड़ी की बैक साइड की तरफ। ये इस गाड़ी की बैक साइड है, बैक साइड की लाइट थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। जो है टूटी हुई नज़र आ रही है, बैक स्क्रीन बिल्कुल साफ है इस गाड़ी की। नंबर प्लेट डुप्लीकेट लगी हुई है, वैसे जेन्युइन रखी होंगी। ये इस गाड़ी का जो है पैसेंजर साइड वाला एरिया, थोड़ा सा इंटीरियर चेक कर लेते हैं इस गाड़ी का। अच्छा, ये तो डोर्स की सील चेक कर लें, और नीचे की साइड से हल्की फुल्की जो है कलर नज़र आ रही है, लेकिन ऊपर की तरफ से बेहतर है। इस गाड़ी की जो है सीट्स हैं, इंटीरियर से टोटल वैसे गाड़ी जेन्युइन है। मॉडल 2017 का है, VX सुजुकी मेरान। सीट्स पे जो लेदर कवर वगैरह लगी हुई है फ्रंट वाली, और थोड़ा सा इंजन रूम वगैरह कवर कर लेते हैं जी इस गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस गाड़ी का इंजन रूम है। सील चेक कर रहे हैं भाई, जंप साइड की, टिकली साइड इस गाड़ी की, ये चेसिस नंबर वगैरह, और यूरो 2 के इंजन में ये न्यू चाबी में। बाकी गाड़ी नो डाउट ज़बरदस्त कंडीशन में, नीचे नीचे से गाड़ी हल्की फुल्की जो है टचअप कह सकते हैं। बाकी इंटीरियर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है, और ऊपर की साइड से गाड़ी पूरी जेन्युइन है ये। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी आपने? 11.5 की डिमांड है। 11.5 की डिमांड 2017 नई चाबी में। पेपर में क्लियर सर गाड़ी? जी बिल्कुल ओके। कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज सब कुछ ओके है? ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0300-5246-904। एसी वर्किंग में सर? जी जी। क्या एवरेज रहती है पर लीटर के हिसाब से इस गाड़ी? ये 17-18 की एवरेज होती है इसकी। ठीक है सर, यूरो वाली की। लोकेशन कहाँ की सर आपकी? लोकेशन गुलशन इकबाल ब्लॉक 7। नाम सर आपका? हाजी सगीर। बहुत शुक्रिया। 2017 का मॉडल है, बाइक का नंबर जो स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। प्राइस में कुछ कमी पेशी हो जाएगी? फाइनल है? बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, नेगोशिएबल है कुछ? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रिंसिपल की गाड़ी है, और गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। सिर्फ 3-4 पीस इस गाड़ी के टचअप मिलेंगे, बाकी 2020 का ये मॉडल है। पूरी गाड़ी विजिट करते हैं भाई वीडियो में, उसके बाद ग्राउंडर के साथ मिलकर प्राइस क्या गाड़ी की वो भी आप भाई के साथ शेयर करते हैं। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई मेरान के प्राइस के बराबर की कुछ गाड़ी हो, जिसमें पावर स्टेयरिंग मिले, हमें पावर विंडो मिले। तो ये गाड़ियाँ आजकल यूनाइटेड की जो है ब्रावो है, प्रिंसिपल है, ये गाड़ी आप लोगों को मिल सकती है मेरान की प्राइस में। टायर्स की तरफ बढ़ते हैं भी, टायर्स की कंडीशन की बात करें तो 80% के आसपास टायर्स हमें गुड मिल रहे हैं, और लॉयर रिम लगे हुए इस गाड़ी में। स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन भी मशाल से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी की जो है फ्रंट की लाइट्स हैं, लाइट्स भी हमें बेहतर कंडीशन में देखने को मिल रही हैं। यहाँ से प्रिंसिपल का जो है लोगो नज़र आ रहा होगा भाइयों को, और सेकेंड लाइट भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। और आ जाते हैं जी ड्राइवर साइड की लुक की तरफ। ये इस गाड़ी का जो है ड्राइवर साइड का लुक है, यहाँ से बिल्कुल साफ है, कहीं से स्क्रेचेस नहीं है। और यहाँ से बैक साइड की बात करें तो यहाँ से हल्के फुल्के हमें स्क्रेचेज मिल रहे हैं, बाकी जो है ऊपर की बॉडी जो है इस गाड़ी की हमें गुड कंडीशन में मिल रही है। आ जाते हैं बैक साइड की तरफ से, ये लाइट्स हमें यहाँ पे क्रेक मिल रही है, बाकी कोई मेजर नहीं है इसका। जो ऊपर वाला है वो केस है, वो चेंज हो सकता है। बैक साइड की बात करें तो डिग्गी वगैरह बिल्कुल साफ मिल रही है इस गाड़ी की। सेकेंड लाइट जो है वो भी बिल्कुल साफ मिल रही है। और ये इस गाड़ी का पैसेंजर साइड वाला एरिया है। और आ जाते हैं ये इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर से जो सील्स हैं वो चेक कर सकते हैं, वो जेन्युइन है। पावर विंडो देख सकते हैं आप लोग, लेदर कवर वगैरह सीट्स पे इंस्टॉल्ड हैं। आ जाते हैं जी फ्रंट डोर की तरफ, फ्रंट डोर की सील्स वगैरह चेक कर सकते हैं। पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, मैनुअल ट्रांसमिशन, सीट्स वगैरह देख लें, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। और इसका मीटर कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं, LCD पैनल वगैरह लगी हुई है। और ये इस गाड़ी की जो डिग्गी है, स्पेयर व्हील वगैरह पाना चेक मौजूद है इस गाड़ी के अंदर। बाकी ये डिग्गी की सीज वगैरह चेक कर सकते हैं, जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। बाकी पीस कौन से टचअप है सर इस गाड़ी के? सर एक इसका ये पीस होता था। अच्छा, ये फाइंडर हो गया ये, और ये बस। अच्छा, ये डोर भी? एग्जैक्टली ये डोर है और ये। चलिए, बाइक वाला जो है ना ऐसे घुसा। चलो, ये जो तीन पीस आप लोग नज़र आ रहे हैं, ये टचअप है, इसमें फाइंडर हो गया, डोर हो गए नीचे की तरफ से, ये इस गाड़ी के टचअप में। बाकी इसके अलावा गाड़ी जेन्युइन में है, 2020 का ये मॉडल है।
और ये इस गाड़ी का इंजन रूम है जी। कितने सीसी इंजन है सर इस गाड़ी के अंदर? सर इसका 800 सीसी इंजन है। 800 सीसी इंजन है भाई, ये समझो कि कोरे के हिसाब से इसका इंजन आप आए होंगे। इसका और फ्यूल एवरेज जो है वो 16-17 की सबसे ज़्यादा है। चलें जी, फ्यूल एवरेज के हिसाब से भी ये अच्छी गाड़ी है। बाकी पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग की सर गाड़ी विंडो, पावर स्टीयरिंग, गियर से मैनुअल है। ठीक है सर जी, डिमांड क्या है सर इस गाड़ी की? सर इसकी मैं 11.5 मांग रहा हूँ। कुछ कमी पेशी हो जाएगी? सीरियस हो जाएगी, लोग आपके रेफरेंस से आएंगे, हमें शाइनी व्लॉग्स का जो है वो दें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। स्पेशल जो है जो हो सकेगा वो हम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। पेपर में क्लियर है सर गाड़ी? पेपर में क्लियर है, थर्ड ओनर गाड़ी है। टोटल 60,000 चलेगी। 60,000। ठीक है सर जी। कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में? ऐसा कोई काम नहीं है गाड़ी मेजर, मतलब भी लेकिन आप जब लेते हो तो अपना तो अपने हिसाब से तो लाजमी कराना पड़ता है। कुछ कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं। एसी वगैरह वर्किंग? एसी वगैरह वर्किंग। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। ये 0334 जी सर 33-877-83। क्या नाम है आपका सर? महरोज नाम। महरोज भाई कहाँ की लोकेशन है? ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17। ठीक है महरोज भाई, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से वेट कर लीजिएगा। थैंक यू, हाफिज़।